नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल द फैक्ट आई में। लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, लोगों से डायरेक्ट बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह उनके विचार हैं बाबा राम रहीम जी के प्रति या उनके डेरा के प्रति। तो लोगों से ही डायरेक्ट बातचीत शुरू करेंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम कीर्ति है। मैम, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रही है? मैं 34 ईयर्स से, जब से बॉर्न हुए हैं तब से ही हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। ओके मैम, 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस क्या कहता है? दैट की जो मीडिया दिखा रहा है या जो मीडिया ने दिखाया है पहले, उसमें कितनी सच्चाई है? मीडिया ने जो भी दिखाया है डेरे के बारे में बिल्कुल गलत दिखाया है। डेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरे में माताओं, बहनों की, लड़कियों के लिए इतना सेफ है जो पूरी दुनिया में हम कहीं भी नहीं सोच सकते हैं। इवन हम अपने घर, सोसाइटी, समाज में इतना सेफ फील नहीं करते हैं जितना हम यहाँ आकर सेफ फील करते हैं। और डेरे में बुराइयों से छुड़वाया जाता है, समाज में नशे हैं जो भी उनको हटाया जाता है, और कुछ भी ऐसा गलत तो बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। डेरा बहुत एक पाक पवित्र संस्था है जहाँ लोगों की बुराइयाँ छुड़वाई जाती हैं, उनको राम नाम से जोड़ा जाता है। राम नाम के द्वारा अपना आत्मबल बढ़ाकर कैसे वो अपनी ज़िंदगी में सुख शांति हासिल कर सकते हैं, ये बताया जाता है। ओके मैम, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि डेरा का बहुत पॉजिटिव व्यू आपने हमेशा से ही देखा है, तो बीइंग ए गर्ल आपने सेफ्टी की भी बात की, लेकिन जैसा कि सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया था फॉर गर्ल्स, तो आप उससे कितनी सहमत हैं कि क्या वो क्वेश्चन मार्क सही है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं खुद यहाँ शासक नाम जी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, हमने बहुत करीब से देखा है यहाँ के हॉस्टल्स में, डेरे में, स्कूल्स में लड़कियाँ जितनी सेफ हैं समाज में कहीं पॉसिबल बहुत मुश्किल लगता है कि हम कभी इवन रात में भी अपने खुद भी कभी भी आएँ तो हम बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। मतलब हमारे माँ बाप भी हमें बहुत निश्चिंत होकर यहाँ भेज सकते हैं कि उन्हें कोई भी डर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम कहें कि नहीं कि कुछ डर वाली बात है। और मीडिया ने तो बहुत ही गलत दिखाया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ओके मैम, अगर मैं बाबा जी के कार्यों की बात करूँ, तो किस तरह के कार्य बाबा जी करते रहे हैं पहले? बाबा जी ने समाज में बहुत से मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, और एट प्रेजेंट उनकी साथ संगत भी 134 मानवता भलाई के कार्य कर रही है उन्हीं की रहमत से। मानवता भलाई के कार्यों को लेकर गुरु जी को 44 एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिल चुके हैं, जो कि उनकी मानवता भलाई के कार्यों की वजह से ही है। और पूरी दुनिया सब जानती है उनके मानवता भलाई के कार्यों को, जैसे पेड़ पौधे लगाना, वैश्याओं को बेटी बनाकर उनकी शादी करवाना, अनाथ बच्चों को अपने बच्चे बनाकर उनका पालन पोषण करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, खेल में बेटियों को आगे लेकर आना, और विधवाओं की शादी करवाना, ना जाने ऐसे बेअंत कार्य हैं जो गुरुजी और उनके शिष्य उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। जी मैम, जैसे आपने बाबा जी के रिकॉर्ड्स का यहाँ आपने एक जिक्र किया है कि 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम, तो मैम एक इंसान जिसके नाम इतने सारे विश्व रिकॉर्ड्स हैं, उस इंसान के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपको उन्हें एक शब्द में डिफाइन करना हो, तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी भगवान हैं, इस धरती पर आए हुए हैं और इस दुनिया के समाज का भला करने के लिए, जो कि एक संत महापुरुष भगवान ही कर सकते हैं, और वो पूरी दुनिया के कर्म काट रहे हैं, उनको खुशियाँ दे रहे हैं, उनके पता नहीं कितने ना जाने हमारे कर्म अपने ऊपर लेके और हमें खुशियाँ देते हैं। जी मैम, एक मैं आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर बाबा जी कल को आ जाते हैं, तो आप समाज का कैसा रूप देखती हैं कि कल समाज कैसा हो जाएगा अगर बाबा जी कल आ जाए तो? बाबा जी के आते ही समाज में इतना ज़बरदस्त बदलाव आएगा, सब जो बुरे लोग हैं वो भी गुरुजी की सच्चाई को देखकर गुरुजी से जुड़ेंगे, समाज में अच्छाइयाँ बढ़ जाएंगी, नशे जो भी बुरी चीज़ें हैं, वेश्यावृत्ति है, सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और समाज में सब तरफ सुख शांति और प्यार मोहब्बत होगा। अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना हो तो क्या देंगे? जी बिल्कुल, कि आप भी डेरा सच्चा सौदा में आइए, देखिए कि जो मीडिया ने दिखाया है यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही पाक पवित्र संस्था है जो हर किसी को सुख शांति और परमानंद प्रदान करती है। थैंक यू सो मच मैम, आपका आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आपको इनके विचार कैसे लगे? जैसा कि इन्होंने बाबा जी के रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र किया, बाबा जी की संगत के बारे में जिक्र किया, इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखते रहें आपका ही अपना चैनल द फैक्ट आई।